जय हिंद। तो आज हम स्टडी करेंगे MMI। MMI का मतलब मेट्रोलॉजी मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो देखिए, पिछले वीडियो हमने आपने लेसन नंबर 1 का मापन की श्रेणियां तक आपको बता दिया था। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के देख लेंगे। तो चलिए देखिए, ना थके हैं कभी पैर, ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ पाने का, जज्बा है कुछ पाने का जिंदगी में, इसलिए सफर अभी जारी है। तो चलिए देखिए, मापन की 3 श्रेणियां हमने आपको बताया था। पहला हमने आपको कौन सा श्रेणी बताया, देखिए पहला हमने आपको बताया प्रथम श्रेणी। पहला कौन सा है? प्रथम श्रेणी, ठीक है। पहला कौन सा है? प्रथम श्रेणी की माप दूसरा क्या है? द्वितीय श्रेणी की माप। ठीक है, तीसरा क्या हमारा? तीसरा हमारा तृतीय श्रेणी की माप। ठीक है, ये तीनों आपको पिछले वीडियो में यहां तक आपको बता दिया गया था, ठीक है। तो आज हम इस तीनों का डिफिनेशन बताएंगे, इस तीनों का डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, पहला हमारा क्या है? प्रथम श्रेणी की माप का डिफिनेशन क्या है, देखिए, जिन मापों को लेकर क्या, जिन मापों को लेते समय किसी प्रकार का रूपांतरण नहीं होता है, जिन मापों को लेते समय किसी प्रकार का रूपांतरण नहीं होता है, तथा यह माप सीधे प्रत्यक्ष प्रेक्षण से मिल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रथम श्रेणी की मापन कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए, प्रथम श्रेणी की माप, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है घड़ी के घंटे की आवाज को सुनकर क्या, घड़ी की घंटे की आवाज सुनकर क्या समय निर्धारित करना, घड़ी की घंटे को सुनकर आवाज सुनकर निर्धारित करना, ठीक है। घंटे की आवाज जैसे घंटी है, ठीक है, उसमें बेल लगा रहता है, बेल एक बार बज जाता है, वैसे आपको अनुमान लग जाता है कि इतने इतने बज गया, 2 बज गया, 4 बज गया, 5 बज गया, ठीक है, उससे अनुमान लग जाता है कि इतना समय हो चुका होगा लगभग में, ठीक। देखिए, ये भी हो सकता है कि किसी भी रंग को देख करके अनुमान हम लगा सकते हैं कि इसका इतना टेम्परेचर हो चुका होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी बॉइलिंग हो रहा है पानी, उसको हम कितना अनुमान लगा सकते हैं कि इतना टेम्परेचर पे 100 डिग्री पे बॉइलिंग हो रहा है, 50 डिग्री पे हो रहा है, उबल रहा है, आज का तापमान इतना है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम प्रथम श्रेणी की माप कहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, दूसरा क्या है? दूसरा टॉपिक हमारा है द्वितीय श्रेणी की माप, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? दूसरा टॉपिक हमारा है द्वितीय श्रेणी की माप। द्वितीय श्रेणी के माप क्या होते हैं, देखिए, जिन प्रचालों के माप लेने में क्या, जिन प्रचालों के माप लेने में उनके माप के क्या, उनके माप के प्रेक्षणों का रूपांतरण केवल क्या होता है, एक ही बार होता है, केवल एक बार ही होगा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम द्वितीय श्रेणी की माप कहेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हमारा क्या है, देखिए, जैसे हमारा है दाब गेज, जैसे दाब गेज, ठीक है। दूसरा क्या है? दाब गेज द्वारा क्या होगा? दाब गेज द्वारा दाब का मापन। का मापन, ठीक है, क्या, दाब के द्वारा दाब का मापन, एक इसके अंतर्गत आता है, द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। एक बार डिफिनेशन और सुनिए, इसका डिफिनेशन क्या है? जिन प्रचालों के माप लेने में, ठीक है, प्रचाल का मतलब क्या होता है? पैरामीटर, ठीक है, इंग्लिश में प्रचाल को क्या कहते हैं? पैरामीटर कहते हैं। तो देखिए डिफिनेशन एक बार और सुनिए, जिन प्रचालों के माप लेने में, जिन प्रचालों के माप लेने में उनके माप के प्रेक्षणों का क्या होता है? रूपांतरण केवल एक ही बार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम द्वितीय श्रेणी का मापन कहते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं तीसरा टॉपिक हमारा क्या है। तीसरा टॉपिक हमारा है तृतीय श्रेणी की मापन, ठीक है। क्या है? Thank you.
क्या है तिथि श्रेणी का मापन, तिथि श्रेणी का मापन क्या है देखिए, जिन प्रचालों के माप लेने में क्या, जिन प्रचालों के माप लेने में उनके माप के संवेदनाओं या प्रेक्षणों का रूपांतरण कितनी बार होता है, प्रेक्षणों का रूपांतरण दो बार होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम तृतीय श्रेणी का मापन कहेंगे। डिफिनेशन एक बार और सुनिए, जिन प्रचालों के माप लेने में क्या, जिन प्रचालों के माप लेने में उनके माप की संवेदनाओं या प्रेक्षणों का रूपांतरण कितनी बार होगा, दो बार रूपांतरण होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम तृतीय श्रेणी का मापन कहेंगे। जैसे क्या है, जैसे हमारा पाइरोमीटर की सहायता से तापमान की क्या करना, तापमान मापना। एग्जाम्पल देखिए, पाइरोमीटर की सहायता से तापमान क्या करना, तापमान को मापना, ठीक है। देखिए यहां पे क्वेश्चन और हमारा बन गया, कौन सा क्वेश्चन देखिए, किस मापन द्वारा हम तापमान को मापते हैं, ठीक है। पाइरोमीटर द्वारा हम तापमान को क्या करते हैं, पाइरोमीटर द्वारा हम तापमान को मापते हैं, इससे हमारे एक नंबर यहां से और तैयार हो गया, ठीक है। तो चलिए देखिए अगला टॉपिक है हमारा मापन के मानक। मापन के मानक क्या होते हैं, स्वीकृति या मात्रा का गुणवत्ता, क्या स्वीकृति या मात्रा का गुणवत्ता का उदाहरण है, क्या है उदाहरण है, जिसके विरुद्ध तो दूसरों को आका या क्या किया जाता है, मापा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं या तुलना किया जाता है, तथा इन मापों की यथार्थता भी ध्यान में रख करके गणना किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मापन की मानक कहते हैं, ठीक है। इन्हें कितने श्रेणियों में बांटा गया है, इन्हें चार श्रेणियों में बांटा गया है, कितने श्रेणी में, चार श्रेणी में। देखिए पहला कौन सा है, पहला हमारा है प्रथम श्रेणी, दूसरा क्या है द्वितीय श्रेणी, तीसरा क्या है तृतीय श्रेणी, और चौथा क्या है, चौथा हमारा है कार्यकारी मान, ठीक है। क्या है कार्यकारी मान, पहला देखिए प्रथम श्रेणी क्या होता है, प्रथम श्रेणी के अंतर्गत क्या क्या रखा गया, पहला जो है प्रथम श्रेणी के अंतर्गत फीट यार्ड मीटर, ठीक है। ये है प्रथम श्रेणी के अंतर्गत, प्रथम श्रेणी कौन कौन सा होता है देखिए जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मापता है उसे हम किसके श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, उसे हम प्रथम श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं, तथा द्वितीय श्रेणी को भी हम किसके अंतर्गत रखते हैं, द्वितीय श्रेणी को भी हम प्रथम श्रेणी के अंतर्गत मान लेते हैं। मान लीजिए मीटर हुआ या कोई दूरी हुआ, यार्ड हुआ या मीटर फीट हुआ, ये दो बिंदु यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु है, ठीक है। ये दोनों के बीच की दूरी को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ये दोनों बीच की दूरी को मापने के लिए या तो हम फीट का प्रयोग करेंगे, या तो मीटर का प्रयोग करेंगे, या तो यार्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये जो है इसी बीच की दूरी को मापने के लिए क्या करते हैं, एक किसके अंतर्गत रखा गया, ये प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, किसे मापन यार्ड गज, ठीक है। बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, प्रथम श्रेणी का उपयोग करते हैं, ठीक है। द्वितीय श्रेणी को भी इसी के अंतर्गत रखा गया है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करना, ठीक है। अब देखिए तिथि मानक क्या होता है, तिथि मानक श्रेणी क्या है, देखिए तिथि मानक श्रेणी किसके अंतर्गत रखा गया है, वर्कशॉप हुआ या कोई प्रयोगशाला हुआ, वर्कशॉप प्रयोगशाला जो हुआ इसे हम किसके अंतर्गत रखते हैं, इसे हम तृतीय मानक के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। और चौथे को भी हम कार्यकारी मान जो है, कार्यकारी मान को भी हम किसके अंतर्गत रखते हैं, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी है वो हम वर्कशॉप हुआ, कार्यशाला हुआ, ठीक है, प्रयोगशाला हुआ, ये सब किसके अंतर्गत, किसके द्वारा करते हैं, तृतीय और चतुर्थ के द्वारा, चतुर्थ मानक के द्वारा हम करते हैं। पहला तृतीय मानक और चौथा क्या है कार्यकारी मानक, ये दोनों के द्वारा हम इस दोनों को किस क्या क्या करते हैं, देखिए इसके द्वारा पहले के पहला और दूसरा के द्वारा हम क्या करते हैं, मीटर मानक क्या है, मीटर हुआ, फीट हुआ, ठीक, मानक फीट और क्या है गज, ये दोनों हुआ, ठीक है। प्रथम और द्वितीय मानक जो है किसके अंतर्गत रखते हैं, पहले वाले के अंतर्गत, ठीक है। अब दूसरा और चतुर्थ जो है इसके किसके द्वारा मापते हैं इसको, देखिए प्रयोगशाला और खड़ा हो गया यहाँ पे, प्रयोगशाला वर्कशॉप कार्यशाला,
ठीक है, प्रयोगशाला और कार्यशाला के अंतर्गत इसे रखते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा क्या है देखिए, तो देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, रेखीय मानक। रेखीय मानक क्या होता है, अगला टॉपिक हमारा है रेखीय मानक। रेखीय मानक क्या होता है, रेखीय मानक दो रेखाओं और बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, मीटर पैमाना गज का। ठीक है, इसे हम किसके अंतर्गत रखते हैं, इसे हम प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं, किसे, रेखीय मानक को। इसका रेखीय मानक का डिफिनेशन एक बार और सुनिए, दो रेखाओं और बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने के लिए मानकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, मीटर पैमाना गज। ठीक है, ये देखिए ये कोई बिंदु है, ठीक है, इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने के लिए रेखीय मानक का प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे हम रेखीय मानक कहेंगे। ठीक है, ये दोनों बीच की दूरी को मापने के लिए किसे कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, रेखीय मानक कहेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो मीटर पैमाना गज। ठीक है, ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखते हैं सिरेवार क्या होता है, इंड मानक क्या होता है, इंड मानक। अगला टॉपिक हमारा है इंड मानक। इंड मानक होता क्या है, ठीक है, जिसे हम सिरेवार भी कहते हैं, दो वक्राकार या समांतर चपटी सतहों के बीच की दूरी मापने के लिए जिन मानकों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंड मानक कहते हैं। डिफिनेशन एक बार और सुनिए, दो वक्राकार या समानांतर चपटी सतहों के बीच की दूरी को मापने के लिए जिन मानकों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंड मानक कहते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कोई वक्राकार है, ठीक है, इसे मापने के लिए जिन मानकों का प्रयोग करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम इंड मानक सिरेवार कहेंगे। ठीक है, जिन मानकों का प्रयोग करेंगे इसके बीच की दूरी को, ठीक है, ये दो समांतर हुआ, इसके बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम सिरेवार का प्रयोग करेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, इंड मानक कहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक हमारा अंतर, सेरेमिक और रेखीय में अंतर। क्या, रेखीय तथा सेरेमिक मानक में अंतर। अगला टॉपिक हमारा है रेखीय तथा सेरी वार मानक में अंतर। देखिए इसके आधार पर, किसके आधार पर, मानक की शुद्धता के आधार पर रेखीय मानक में, देखिए रेखीय मानक और इंड स्टैंडर्ड में अंतर। ठीक है, इसके रेखीय मानक के अंतर्गत देखिए इसके मापन की शुद्धता 0.2 mm तक ही होती है, किसका, इसके रेखीय मानक के अंतर्गत रेखीय मापन की शुद्धता 0.2 mm तक ही होती है। अब इन स्टैंडर्ड में देखिए इसके मापन की शुद्धता कितना होती है, 0.001 mm तक होती है। ठीक है, क्या होती है, 0.001 mm तक होती है। अब दूसरा क्या है, दूसरा माप लेने में लगा समय, मापन में लगा कितना समय लगेगा, देखिए इससे किसी माप को मापने में काफी कम समय लगता है तथा इससे सरल एवं शीघ्रता से माप लिया जा सकता है। इसका उपयोग सरल अथवा सीधे रेखाओं में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच दूरी मापने के लिए किया जाता है, इसका डिफिनेशन हम बता भी चुके हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए सेरेमिक में, जबकि इसका प्रयोग दो समांतर एवं चपटी वक्राकार सतहों के बीच की दूरी को मापने के लिए किया जाता है। ठीक, अब देखिए उपयोग में मानक पर पड़ने वाला प्रभाव, उपयोग में इफेक्ट पड़ने वाला प्रभाव क्या है, देखिए क्या, इसके लगातार या ज्यादा प्रयोग से इसके पैमाने के सिरे घी जाते हैं, जिसके पैमाने की शून्य मार्किंग को हमेशा आधार नहीं माना जा सकता है, जबकि मानक की शेष मार्किंग शुद्ध बनी रहती है। इन मानकों के सिरे से घिसकर खराब हो सकते, इसलिए इसके सिरे को कठोर बनाया जाता है ताकि सिरे ना घिसे। ठीक है, उपकरणों की लागत तथा उपयोगिता प्रक्रम देखिए, इसकी लागत काफी कम होती है तथा उपयोग भी काफी सरल प्रक्रम का होता है, इसकी लागत काफी ज्यादा होती है तथा उपयोग भी जटिल प्रक्रम का होता है। अन्य त्रुटियां देखिए, अन्य त्रुटियां इन मानकों में पैरेलल त्रुटि हो सकती है, मतलब समांतर त्रुटि हो सकती है, लेकिन समांतर त्रुटि हो जाएगी लेकिन अदर त्रुटि नहीं होगी। देखिए प्रयोगशाला के तापमान में ज्यादा परिवर्तन होने पर इन मानकों में त्रुटि हो सकती है। क्या, प्रयोगशाला की टेम्परेचर, यदि प्रयोगशाला का जो टेम्परेचर है बढ़ जाएगा तो क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा, मानकों में त्रुटि हो जाएगी।
तथा स्लिप गेजों को गलत तरीकों से मिलाने पर भी इसके मापन में त्रुटियां हो सकती है। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक हमारा लंबाई के मानक। लंबाई के मानक मिलते हैं लेकर के अगले वीडियो में। यह पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।